తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండడం వల్లనే తమ గ్రామంలో 7 యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయని సులమన్ ఫారం మాజీ సర్పంచ్ మహమ్మద్ తెలిపారు. రుద్రూర్ మండలంలోని సులమన్ ఫారం గ్రామంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గెలుపు కోసం ఇంటింటికి ప్రచారం నిర్వహించారు. हमारे टीआरएस पार्टी के तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं पब्लिक का. ये गांव में घर घर को जो प्रचार करने के वास्ते मुखामी माजी सरपंच मैं मोहम्मद और पार्टी सदर करीम साहब और बूथ कन्वीनर खादर साहब आरिफ साहब एमपीडीसी बाडर साहब और फारूक साहब और अपने खुदरत हबीब साहब ये सब मिलके जो प्रचार को पूरे कार्यकर्ता को लेके जो निकले मेरे को बहुत लिंगम से बहुत लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं. ये लोग रात दिन एक करके पार्टी के वास्ते केसीआर को फिर अभी एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छा होता देंगे मिनिस्टर पोचाराम साहब को बनेंगे कार्यक्रम के निशान को वोट डाल के बोल के जो जज्बात में फिर रहे इनका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं सुलेमान फार्म के तरफ से. और ऐसी जज्बात हर जगह पे मैं देख रहा हूँ. 2-3-4 MLA के एरिया में मैं फिर के सर्वे भी करा मैं हर जगह पे यही आवाज निकली कि कार के निशान को वोट डालेंगे बोल के. तो इसका मतलब ऐसा दिख रहा मेरे को कि केसीआर साहब बिल्कुल आज ही CM बन गए और हमारे मिनिस्टर पोचाराम साहब बन गए बोल के हमको भरोसा आ गया. अब हमारे मुकामी लोगों का और साथियों का सब लोगों का होदा पोस्ट में नहीं बोलते हैं मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. और ऐसी जज्बात इलेक्शन के आखिरी दिन तक यही जज्बात आपकी बताएंगे तो अपने बच्चों का अच्छा होगा अपने गांव का काम अच्छा होगा. हर बच्चे को जो है कोई पढ़े लिखे वाला है उसको अभी यहाँ का देख रहे हैं सुलेमान फार्म के लोगों होम कौन सी बहुत लेकिन मिशन भगरा परसों जो नौकरी लगी. अगर यही तेलंगाना अगर अलग नहीं होता था अगर आंध्रा मिलकर रहता था तो अपने 7 बच्चे जो है आज जो है हुकूमत का नौकरी नहीं करते थे. इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं केसीआर साहब का और पोचाराम साहब का कि ऐसे हमारे फार्म के मुकामी लोगों को घर से और पेंशन से और लोन से नौकरियों से ऐसा आबाद रखते बोल के मुझे भरोसा है. उनको अल्लाह उनके सेहत को अच्छा रखो उनको और लंबी उम्र दो बोल के मैं शुक्रिया अदा.